नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी यादव पे। दोस्तों, आज जो हम आपका टॉपिक लेकर के आए हैं, आज हम लोग आपके जितने भी वृत्त के क्वेश्चन हैं, जिससे भी जितने आपके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम दोस्तों इस वीडियो में आपको सॉल्व करवाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो जैसा कि दोस्तों ज्यादा ना बात करते हुए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों आज हम आप लोगों को बताएंगे, जैसे देखिए वृत्त का जो पहला क्वेश्चन है आपका क्या है दोस्तों, कि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों यदि आपने हमारे कॉन्सेप्ट वीडियो को नहीं देखा है, हमने वृत्त को इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं, उसके बारे में बताया है कि वृत्त की जो परिधि होती है दोस्तों 2πr ही क्यों होती है, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर एच ही क्यों होता है, उसको देखिए दोस्तों। इसके बाद अगर आप इसको देखते हैं तो आपको ज्यादा क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। तो दोस्तों हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इसने बोला दोस्तों कि एक वृत्त है, ऐसे हम आपका एक वृत्त बना लेंगे। अब दोस्तों ये कह रहा है कि इस वृत्त की जो त्रिज्या है, दोस्तों त्रिज्या हमने आप लोगों को बताया था कि केंद्र से इस वृत्त का कोई ना कोई एक निश्चित बिंदु होगा, एक निश्चित बिंदु से भाई निश्चित दूरी होगी, बिंदु से इस बिंदु पद तक की, कोई निश्चित बिंदु से इस बिंदु तक की जो दूरी होती है दोस्तों उसे हम लोग बोलते हैं वृत्त की त्रिज्या। क्या बोलते हैं दोस्तों? वृत्त की त्रिज्या, जिसको हम लोग आर से बोलते हैं, आर से दर्शाते हैं दोस्तों। तो आर का मतलब इंग्लिश में त्रिज्या को रेडियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? रेडियस बोला जाता है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा आपका? 14 सेंटीमीटर आपका दिया है दोस्तों। तो आपसे बोला है कि उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बोल रहा है दोस्तों ये जो पूरा वृत्त है ना, क्षेत्रफल का मतलब होता है दोस्तों क्षेत्र, मतलब कि इस वृत्त के अंदर की जितनी भी ये सब चीजें हैं, ये इन सभी का क्षेत्रफल कितना है, आपसे उसका क्षेत्रफल पूछा है। तो दोस्तों आप जो हमने आपको बताया है कि जो वृत्त का क्या दोस्तों, वृत्त का जो आपका क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों देखिये पाई का मान आपका जो होता है दोस्तों, इसमें होता है आपका 22/7। क्या होता है दोस्तों? पाई का मान 22/7। दोस्तों अगर आपको इसको कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं कि पाई का मान 22/7 क्यों होता है दोस्तों, इसका जो लॉजिक आया ना, कि आपको बताते हैं अगर कोई एक वृत्त खींचा गया, क्या खींचा गया दोस्तों? वृत्त खींचा गया, यदि उसकी केंद्र से यदि उसकी जो त्रिज्या अगर आपकी 7 थी, क्या दोस्तों? उसकी कोई केंद्र मान लिया गया, उस केंद्र से अगर उसकी देखा जाए यहां तक की जो दूरी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? त्रिज्या बोलते हैं। तो ये अगर आपका 7 था दोस्तों, तो इसकी जो पूरी परिधि को जो नापा गया, क्या दोस्तों? इसको पूरी परिधि को जो नापा गया वो आपका आया कितना दोस्तों? 22। कितना आया दोस्तों? 22। तो दोस्तों कहने का मतलब ये हो सकता है कि जो पाई का जो मान होता है दोस्तों, वो इसकी परिधि और त्रिज्या क्या क्या है दोस्तों? अनुपात है। क्या है दोस्तों? परिधि और त्रिज्या का क्या है दोस्तों? अनुपात है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे दोस्तों पाई का मान कितना होता है दोस्तों? 22/7। आर का मान आपका दिया है दोस्तों, त्रिज्या कितना दिया आपका? 14 सेंटीमीटर। कितना दिया दोस्तों आपका? 14 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा देखिए 14 का स्क्वायर हो जाएगा, 14 का स्क्वायर तो हो जाएगा आपका 22/7 गुणते 14 का स्क्वायर हो कर देंगे दोस्तों, इसको कर सकते हैं देखिए 14 गुणते 14, देखिए 7 × 14 हो जाएगा, 7 × 14। अब आपको गुणा कर दिए, 22 × कितना हो जाएगा दोस्तों आपका? 44 हो जाएगा, 44 गुणते कितना हो जाएगा दोस्तों आपका? 14। कितना आ जाएगा दोस्तों? 14। देखिए इसका गुणा करेंगे तो देखिए 54 हो जाएगा, 54 × 56 = 61 तो हो जाएगा दोस्तों आपका 616। पहली बात दोस्तों आपसे क्षेत्रफल पूछा है, और क्षेत्रफल क्या है दोस्तों? ये अगर सेंटीमीटर में है तो जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वर्ग सेंटीमीटर कर सकते हैं, वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे, या फिर लिखेंगे दोस्तों क्या करेंगे? सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये दोनों आप लिख सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों उसको देखिए। अगले क्वेश्चन में आपका पूछा है दोस्तों कि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 36π² है। क्वेश्चन में आपको बोल देता हूं दोस्तों, आप लिख लीजिएगा। इसमें बोला है दोस्तों
कि एक वृत्ताकार मैदान है। क्या दोस्तों, आपको मैं डायरेक्ट सॉल्व करवाता हूँ। दोस्तों बोल रहा है कि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या क्या होगी। क्या पूछा है दोस्तों उसने, त्रिज्या पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों आपका, त्रिज्या पूछा है। और आपसे पूछा है, देखिए मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ दोस्तों। उसने ये पूछा है कि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या क्या होगी जबकि जो उसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा, इसको समझने की कोशिश करिए। दोस्तों ने उसने पूछा कि कोई वृत्ताकार मैदान है, अब दोस्तों इसकी जो त्रिज्या आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है दोस्तों, त्रिज्या। त्रिज्या को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों रेडियस। क्या बोलते हैं दोस्तों, रेडियस आपसे पूछ रहा है। और इसका दोस्तों पूरा जो क्षेत्रफल है वो दिया है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल, क्या दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि मैदान कैसा है दोस्तों, वृत्ताकार है। तो हम लोग लिख देंगे वृत्ताकार मैदान का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो दिया कितना दोस्तों आपका, 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर। कितना दिया दोस्तों, 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर दिया है। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं, आपको हमने बताया है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो कितना होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर होता है। अब दोस्तों इस क्षेत्रफल जो होता है इस फॉर्मूले के बराबर आपका दिया है, कितना दिया दोस्तों, 36 पाई। कितना दिया दोस्तों, 36 पाई। तो दोस्तों इस पाई से ये आपका पाई कट जाएगा, इस पाई से आपका ये पाई कट जाएगा, क्योंकि अगर इसको अगर हम इधर भी भेजेंगे तब इन बटा के नीचे में आ जाएगा, कट जाएगा। अब आपको क्या आ गया दोस्तों, आर स्क्वायर बराबर आपका कितना आया दोस्तों, 36 आया। आर स्क्वायर बराबर कितना आया आपका, 36 आया। तो आर का मान हमें, क्योंकि त्रिज्या को हम लोग क्या माना है दोस्तों, आर, आर का मतलब दोस्तों रेडियस, रेडियस। तो त्रिज्या आपका आर होता है, तो हमें आर का मान चाहिए ना कि आर स्क्वायर का मान चाहिए। तो जब आर बराबर हो जाएगा दोस्तों, तो करडी में कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा। तो जब हम आर का मान निकालेंगे तो आएगा कितना दोस्तों, 6। देखिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो त्रिज्या होती है दोस्तों वो आपकी होती है सेंटीमीटर में, किसमें होता है दोस्तों, सेंटीमीटर में। तो यहां लिख देंगे दोस्तों 6 सेंटीमीटर। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन इसमें क्या है दोस्तों, उसको देखिए। अगला क्वेश्चन आपका ये दिया है दोस्तों कि उस वृत्त का क्षेत्रफल, दोस्तों कह रहा है कोई एक वृत्त है। क्या दोस्तों, कोई एक वृत्त है। इस वृत्त का मान लेते हैं कोई वृत्त है। इसमें देखिए क्वेश्चन आपसे ये बोला है दोस्तों कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 2464 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि ज्ञात कीजिए। कह रहा है दोस्तों कि कोई एक वृत्त है, क्वेश्चन समझिएगा, एक वृत्त का जो क्षेत्रफल, क्या कह रहा है दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 2464, कितना दोस्तों, 2464 वर्ग सेंटीमीटर, कितना दोस्तों, वर्ग सेंटीमीटर। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा है, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल इतना दिया है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं, देखिए देखिए इसमें आपको क्या पता हो जाए तो वृत्त की परिधि निकल जाएगी। अगर दोस्तों आपको आर पता हो जाए, क्या दोस्तों, आर, क्योंकि वृत्त की जो परिधि होती है दोस्तों होता है 2 पाई आर। अगर आपको त्रिज्या मिल जाए तो आप वृत्त की परिधि निकाल सकते हैं दोस्तों। तो इस क्षेत्रफल से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, त्रिज्या निकालेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, त्रिज्या निकालेंगे। तो दोस्तों जानते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का जो मान दिया है दोस्तों आपका, कितना दिया है, 2464 वर्ग सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहां से आपको त्रिज्या निकालना है ना, त्रिज्या आपको निकालना है। तो आर स्क्वायर बराबर आप कर सकते हैं 2464, अब बटा के दोस्तों पाई आ जाएगा नीचे, पाई आ जाएगा आपका नीचे। तो आपका हो जाएगा दोस्तों आर स्क्वायर बराबर 2464। अब दोस्तों पाई का जो मान होता है दोस्तों 22/7 होता है। क्या होता है दोस्तों, 22/7। देखिए मान लेते हैं इसके जगह पे हम 22/7 आप कर दे रहे हैं। तो दोस्तों देखिए 22/7 ये आपका भाग में है, जब गुणा में चेंज होगा दोस्तों तो 22/7 जो 7 होता है वो 7/22 हो जाएगा। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 7/22। समझ में आया होगा दोस्तों 7/22 क्यों लिखे। अब दोस्तों इसका अगर हम इसमें भाग दे, देखिए 22 एकम 22 दो आया 24, 22 एकम 22 चार आया, 22 4 26 हो जाएगा। अब देखिए 4 तो 22 2 44 कितना हो जाएगा दोस्तों, 112। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आर का मान क्या करना है, त्रिज्या निकालनी है। तो त्रिज्या बराबर हम लोग करडी में लिख सकते हैं दोस्तों, 112 को अगर हम लिख रहे हैं तो देखिए 112 का अगर हम गुण 1 1 2 7 कर सकते हैं दोस्तों। अब 112 को आप तोड़ इस प्रकार से आप तोड़िए कि गुणनखंड कीजिए,
आप 112 का क्या करिए दोस्तों, गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए एक एक दो का गुणनखंड करेंगे तो दो से अगर करेंगे दोस्तों तो देखिए 5 × 2 = 10, 6 × 2 = 12, 56 आ जाएगा। फिर दो से करेंगे तो आपका आ जाएगा 28, फिर दो से करेंगे तो आपका 14 हो जाएगा, फिर दो से करेंगे दोस्तों आपका 7 आ जाएगा। फिर 7 से करेंगे दोस्तों तो हम इसको अगर करेंगे तो आर बराबर आपका आएगा दोस्तों, देखिए 2 × 2 × 2 × 2 × 7, अब देखिए 1 7 आपका ये बचा है, हो जाएगा आपका 7। अब दोस्तों आपको हमने बताया है कि क्या बताया दोस्तों कि यदि जो करणी में अगर कोई भी संख्याएं हैं अगर उनका हम वर्गमूल निकालते हैं दोस्तों, दो दो का क्या करते हैं हम लोग दोस्तों सब में जोड़ा बनाते हैं, क्या करते हैं दोस्तों दो दो का जोड़ा बनाते हैं और इनमें से एक संख्या हम लोग करणी से बाहर कर देते हैं, तो जो आर का मान आपका आएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर कितना आपका 2 है, इसको लिखेंगे 2, देखिए दोस्तों इसका भी एक जोड़ा बन गया है तो इसका भी बाहर कर देंगे 2, और फिर दोस्तों इसका भी जोड़ा बन गया तो इसको भी कर देंगे दोस्तों, तो आर का जो मान आपका आएगा दोस्तों 7 × 14 × कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 28, कितना हो जाएगा दोस्तों 28। लेकिन त्रिज्या किस में आती है दोस्तों, हमने आपको बताया त्रिज्या या तो सेंटीमीटर में दी होगी तो सेंटीमीटर होगा, मीटर में दिया रहेगा तो मीटर में होगा, लेकिन आपका दिया तो देखो क्षेत्रफल आपका वर्ग सेंटीमीटर में दिया दोस्तों, तो त्रिज्या क्या आएगा आपका सेंटीमीटर में। लेकिन दोस्तों आपको अगर त्रिज्या मिल गया तो क्या हम वृत्त की परिधि नहीं निकाल सकते हैं, वृत्त की परिधि हम निकाल सकते हैं, तो दोस्तों वृत्त की परिधि आपका क्या पूछा है, तो वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होती है दोस्तों आपका होता है देखिए 2πr, क्या होता है दोस्तों 2πr, जब इसमें करेंगे दोस्तों तो देखिए 2 × π का मान होता है दोस्तों 22 बटा के साथ आपको बताया हमने, और आर आपका दिया दोस्तों 28, देखिए 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 28 हो जाएगा दोस्तों। अगर करेंगे तो 2 × 2 = 22 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 88 हो जाएगा, तो 88 का जब 2 में गुणा करेंगे दोस्तों तो आपका हो जाएगा देखिए 88, 8 × 2 = 16, 8 × 2 = 16 = 17, कितना हो जाएगा दोस्तों 176 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा दोस्तों, वृत्त की परिधि का मतलब होता है दोस्तों कि यहाँ ये वाली लंबाई, ये जो पूरा आपका जो जहां से वृत्त बना हुआ है यही आपकी वृत्त की है, क्या है दोस्तों परिधि है, तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब दोस्तों आप अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चंस को सुनिएगा और दोस्तों आप लिख लीजिएगा, क्योंकि हमको अगर हम लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों तो टाइम का क्या होगा, हमारा समय खराब होगा। उसमें तो क्वेश्चन आपका ये पूछा है दोस्तों देखिए कि एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या, क्या दोस्तों एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, तो 400 पूरे चक्कर लगाने में यह कितनी दूरी तय करेगा। फिर से देखिएगा दोस्तों कि एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, कहने का मतलब दोस्तों अब साइकिल का आपका पहिया कैसा है दोस्तों, दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि वृत्त के आकार का होता है दोस्तों, तो इसके जो साइकिल है दोस्तों इसके जो पहिए की जो त्रिज्या है दोस्तों ये वाला जो दिया है आपका 42 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया है दोस्तों 42 सेंटीमीटर दिया है, तो आपसे ये पूछ रहा है दोस्तों कि यदि इसी को अगर 400 चक्कर लगवाया जाए, क्या किया जाए दोस्तों यदि इसी को 400 चक्कर लगवाया जाए तो यह कितनी दूरी तय करेगा। बात समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों, जैसे हम आपको बात करते हैं दोस्तों कि देखिए यहां से अगर मैं दोस्तों अगर इसको देखा जाए तो अपनी परिधि है, अपनी परिधि ही तो तय करेगा दोस्तों, अपनी परिधि तो तय करेगा, तो दोस्तों अगर यहां से मान लेते हैं अगर यहां तक चला जाए तो अगर दोस्तों मैं इसकी परिधि निकाल लूं तो कुछ हो सकता है दोस्तों, जैसे देखिए दोस्तों जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं आपको, जैसे मान लेते हैं दोस्तों इसको समझने की कोशिश करिएगा कि दोस्तों ये अगर आपका इस प्रकार से अगर आपका ये गोल में है पूरा दोस्तों, अगर मैं इसको पूरा लगा दूं, ठीक है अगर मैं इसको ऐसे पूरा लगा दूं दोस्तों तो गोल में आएगा, और दोस्तों इसको अगर मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं इस प्रकार से इसको बैठाया हमने दोस्तों, तो समझने की कोशिश करिएगा तो इस प्रकार का आपका वृत्त आएगा, इस प्रकार का आपका वृत्त आएगा, लेकिन अगर मैं इसको पूरा अगर मैं ऐसे खोल दूं तो इतनी दूरी हो जाएगा, अगर मैं दोस्तों अगर इसको ऐसे कर दूं तो इतनी दूरी होगा तय करेगा, तब यही कह रहा है दोस्तों अगर इसी को अगर 400 चक्कर लगाया जाए, कहने का मतलब दोस्तों 400 चक्कर लगा, तो अब ऐसे ही अगर 400 बार हम नापेंगे तो 400 का गुणा कर देंगे दोस्तों, तो अब आपको समझने की कोशिश करिएगा कि यदि ये यहां से यहां आ रहा है तो अपनी परिधि तो घूमेगा, अगर साइकिल में देखेंगे दोस्तों तो अपनी परिधि को ही तो घूमेगा, तो यदि मैं इसकी परिधि निकाल करके और 400 का गुणा कर दें तो दोस्तों पता चल जाएगा हमकी पूरी दूरी कितनी तय करेगा, तो दोस्तों अगर आपकी ये त्रिज्या दिया है तो आप दोस्तों वृत्त की परिधि
या फिर दोस्तों आप ज्ञात करिएगा, वहां पर लिख लेंगे कि साइकिल की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होती है दोस्तों, 2πr, क्या होता है दोस्तों 2πr। तो आपका हो जाएगा देखिए 2 गुणते पाई का मान आपको बताया दोस्तों हमने, होता है 22/7 होता है दोस्तों, और आपका आर जो त्रिज्या दिया है जिसको इंग्लिश में दोस्तों हम लोग रेडियस बोलते हैं, वो कितना दिया दोस्तों आपका 42 दिया है, यहाँ हो जाएगा आपका दोस्तों 42। देखिए 7×6 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 42 हो जाएगा, जब 42 हो जाएगा दोस्तों तो आपका इसका गुणा करेंगे तो 22 × कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 44, गुणते कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, देखिए 6×24 = 4 और 6×24 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 26। ये कितना आपका आएगा दोस्तों, जो परिधि आ गया आपका दोस्तों 264 क्या आ गया दोस्तों आपका, ये सेंटीमीटर में दिया था ये भी सेंटीमीटर में आएगा। अब दोस्तों कह रहा है, अब देखिए इतना तो हमने वृत्त की परिधि, सिर्फ इसका मैंने यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात किया, इन्हें किया गया दोस्तों। अब कभी भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब वो चलेगा तो अपनी परिधि को ही तो बार बार लपेटेगा, बार बार घूमेगा। जैसे अगर यही मार्कर है दोस्तों, अगर इसको मान लेते हैं ये मेरा एक वृत्त का आकार है, अगर मैं इसको घुमाऊं तो अपनी परिधि पर एक बार आएगा, फिर 2 बार आएगा, फिर 3 बार आएगा, फिर 4 बार आएगा, यही 5 बार। तो वही कह रहा है दोस्तों, अगर 400 चक्कर इसको, इसी को 400 मार घुमाया गया तो वो कितनी दूरी तय करेगा, कितनी दूरी तय करेगा। तो दोस्तों परिधि जो आपका गया 264 मीटर, कहने का मतलब दोस्तों अगर इसको इस हिसाब से अगर ऐसे करके दोस्तों अगर पूरा खोल दिया जाता तो आपका कितनी लंबाई आती दोस्तों, 264 सेंटीमीटर आता। तो ये 264 आ गया दोस्तों। अब आपसे पूछा है कि दोस्तों क्या बोल रहा है कि 400 पूरे चक्कर लगाने में यह कितनी दूरी करेगा, तो दोस्तों आप लिख दीजिएगा कि 400 पूरे चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, तो बराबर हो जाएगा दोस्तों 400 गुणते क्या दोस्तों, वृत्त की परिधि। क्या कर देंगे दोस्तों, 400 गुणते वृत्त की परिधि। अब दोस्तों आपका जो वृत्त की जो परिधि है दोस्तों वो आपका कितना आया दोस्तों, 264 आया है, गुणते 264। जब इसका गुणा करेंगे दोस्तों तो आपका देखिए 4×16 = 6 और 6×24 1×25 = 5 और 4×2 = 8, 2, 10 कितना आ जाएगा 10×56 0×0 है दोस्तों, तो 0×0 क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, क्या है इसमें सेंटीमीटर में है तो आपका यही आ जाएगा सेंटीमीटर, क्या आएगा दोस्तों 10×56 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर दोस्तों अगर आपका देखिए यहां पर दिया है सेंटीमीटर, अगर आपको मीटर में अगर इसको चेंज करना है आप कर सकते हैं दोस्तों, अगर इसमें देखिए सेंटीमीटर है आपको मीटर में चेंज करना होगा तो 100 का भाग देंगे, जब 100 का इसमें अगर हम दोस्तों अगर भाग दे दें तो ये सेंटीमीटर से क्या हो जाएगा दोस्तों आपका मीटर में हो जाएगा, तो इसको करें तो हो जाएगा दोस्तों देखिए 2×0 = 2×0 आपके कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 10×56 मीटर भी कर सकते हैं। कुछ भी करिए जो आपको दिया है, जैसे चाहिए वैसे कर सकते हैं दोस्तों, दोनों तरीका हमने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों उसको देखिए, क्वेश्चन दोस्तों समझ में उम्मीद करता हूं आप लोगों को आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन आपसे इसमें दिया है दोस्तों कि एक वृत्ताकार खिड़की में कांच लगाना है। क्वेश्चन सुनिएगा, बोला है कि एक वृत्ताकार खिड़की में कांच लगाना है, खिड़की की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो 1.25 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से कांच का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या दोस्तों, कहने का मतलब दोस्तों एक खिड़की है, समझिएगा क्वेश्चन को लिख लीजिएगा दोस्तों धीरे धीरे करके, अब देखिए समझिएगा। उसने बोला है कि एक वृत्ताकार खिड़की है जिसकी दोस्तों त्रिज्या हमने आपको बताया था कि केंद्र से इस बिंदु पथ तक की जो दूरी होती है उसको त्रिज्या बोलते हैं, और दोस्तों इस वृत्ताकार खिड़की की जो त्रिज्या है दोस्तों वो बताया है दोस्तों कि 14 सेंटीमीटर है। कितना दोस्तों, इसकी जो त्रिज्या दोस्तों 14 सेंटीमीटर है, ठीक दोस्तों, और इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, कांच लगवाना है। तो दोस्तों आपका पूरा हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, अगर इसका हम क्षेत्रफल निकाल लें, इसके बाद बोला है दोस्तों 1.25 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से कांच का मूल्य ज्ञात कीजिए, ये बोला है दोस्तों। तो हम लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों पूरा अगर इसमें अगर क्षेत्रफल निकाल लें और वही क्षेत्रफल कांच रहेगा उतना ही कांच लगेगा, तो उसमें दोस्तों अगर हम 1.25 का गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब आपका ये आ गया तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इस पूरे खिड़की का क्षेत्रफल निकालेंगे, खिड़की का क्या करेंगे दोस्तों वृत्ताकार, कैसा है दोस्तों वृत्ताकार खिड़की का क्षेत्रफल, खिड़की का क्षेत्रफल, तो वृत्ताकार खिड़की का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों πr², देखो त्रिज्या आपका 14 सेंटीमीटर दिया दोस्तों, पाई का मान आपको बताया दोस्तों 22/7 होता है,
आर आपका दिया है 14, तो आर स्क्वायर है दोस्तों, तो इसको कर सकते हैं हम लोग 14 गुणते 14। देखिए 7 दुना के 14, देखिए 22 दुना कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 44 गुणते। अगर 14 हम करेंगे दोस्तों तो आपका आएगा 14 चौके 56 के 6, 14 चौके 56 और 5 61 कितना हो जाएगा दोस्तों 616 क्या हो गया दोस्तों वर्ग सेंटीमीटर होगा, वर्ग सेंटीमीटर होगा दोस्तों। अब ये बोल रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि 1.25 प्रति वर्ग सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक वर्ग सेंटीमीटर में आपका लग रहा है 1.25 रुपए, बात समझिएगा, एक वर्ग सेंटीमीटर में 1.25 सेंटीमीटर लग रहा है दोस्तों। आपको कितना का पूछ रहा है, 616 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर में आपको कितना आएगा दोस्तों, तो आपका आ जाएगा 616 गुणते 1.25। इतना क्या आएगा, अब जो भी मान आएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आपका मीटर में आएगा दोस्तों, इसका गुणा करेंगे दोस्तों हो जाएगा 6 × 5 = 30। आपका आएगा दोस्तों 770 रुपए। कितना आएगा दोस्तों आपका 770 रुपए आएगा, इसका आप गुणा करेंगे तो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन आपको लिख लीजिएगा, क्वेश्चन अगला आपका ये बोला है दोस्तों कि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है। लिखेगा दोस्तों, कह रहा है कि वृत्ताकार मैदान का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसके व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या दोस्तों, उसके व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको व्यास के बारे में हमने बताया था कि व्यास क्या होता है। अब दोस्तों एक वृत्ताकार मैदान है, इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों 154 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, तो दोस्तों इसको हम लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों कितना है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है दोस्तों। तो दोस्तों आपका वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। और दोस्तों पाई आर स्क्वायर के बराबर आपका दिया है दोस्तों, जो क्षेत्रफल आपका दिया है दोस्तों ध्यान रखिएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर दिया है दोस्तों। क्या दिया है दोस्तों, 154 वर्ग मीटर है दोस्तों। क्या दोस्तों, वर्ग मीटर है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो 154 हो जाएगा 154। अब दोस्तों ये जो पाई है, पाई आर स्क्वायर का मान 154 है, वर्ग मीटर है, तो जो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अगर हम त्रिज्या निकाल लें तो हम व्यास निकाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि व्यास क्या होता है दोस्तों, कि वृत्त की एक मतलब की एक ऐसी जीवा जो क्या हो, केंद्र से होकर के जाती हो। तो इसमें अगर देखा जाए दोस्तों, ये आपका आर हमने बताया है, ये भी आर है, तो जोड़ देंगे तो ये वाला आप क्या होता है दोस्तों, देखिए ऐसी जीवा, हमने आपको बताया था ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाती हो, कहां से दोस्तों, वृत्त के केंद्र से होकर के जाती हो, उस जीवा क्या बोलते हैं दोस्तों, इस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा तथा ये जीवा क्या कहलाती है दोस्तों, वृत्त का व्यास कहलाती है। तो दोस्तों इस व्यास के बराबर अगर देखा जाए तो आर प्लस आर है, तो 2R बोल सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम यहां से अगर आपका आर अगर हमको मिल जाए तो वृत्त का व्यास हम निकाल सकते हैं, वृत्त का व्यास हम निकाल सकते हैं। देखिए आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्तों 154, और दोस्तों देखिए पाई का मान जो होता है आपका 22/7 होता है दोस्तों, यहां पर इसी के स्थान पर आप लिख दीजिए 22/7 लिख सकते हैं दोस्तों। अब 7 का इससे गुणा कर देंगे दोस्तों, चला हो जाएगा 7, अब 22 आ जाएगा दोस्तों आपका नीचे आ जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्तों, देखिए अगर इसको आप करें तो देखिए 2 से करिए तो हो जाएगा 11, अगर इसको 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 हो जाएगा 7 × 14 और यहाँ 7 × 14 तो हो जाएगा दोस्तों 11 × 77, ठीक 22 × 154 होता है दोस्तों। आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्तों 7 × 7। आर का मान निकालना है तो आर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको बताया है कि अगर हमें त्रिज्या निकालनी है तो आर स्क्वायर है, अगर ये इधर हटेगा तो इधर कैलोरी लग जाती है दोस्तों, हो जाएगा 7 × 7। इन दोनों में दोस्तों क्या कॉमन है, 7 है, आर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 7 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा दोस्तों 7 मीटर सॉरी, क्योंकि दोस्तों आपका वर्ग जो क्षेत्रफल दिया है वर्ग मीटर है। तो त्रिज्या व्यास आपसे पूछा है दोस्तों, तो हमने आपको बताया था कॉन्सेप्ट वीडियो में कि जो व्यास होता है दोस्तों आपका 2 त्रिज्या के बराबर होता है दोस्तों, 2 गुणते त्रिज्या कितना है दोस्तों 7, तो व्यास का कितना हो जाएगा दोस्तों 7 × 14 सेंटीमीटर 14 मीटर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 14 मीटर। इसमें अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों उसको देखिए, उसमें अगला क्वेश्चन आपका ये पूछा था दोस्तों कि एक वृत्ताकार मैदान का व्यास 10 सेंटीमीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्या पूछा था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एक वृत्ताकार मैदान का व्यास 10 सेंटीमीटर है दोस्तों, एक वृत्ताकार आपका मैदान था,
आपको व्यास ने बताया दोस्तों क्या होता है, एक ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर के आती है, आपका केंद्र है। अब दोस्तों ये जो पूरी लंबाई आपका दे दिया दोस्तों, आपका कितना दिया दोस्तों, व्यास आपका दिया है कितना दोस्तों 10 सेंटीमीटर, कितना दोस्तों व्यास जो आपका दिया है 10 सेंटीमीटर में दिया है दोस्तों। वो बोला है कि एक वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्या दोस्तों मैदान का। तो दोस्तों अब आपका देखिए अगर हम त्रिज्या निकालें दोस्तों, तो त्रिज्या आपको हमने बताया है कि त्रिज्या बराबर होता है दोस्तों व्यास बटा के दो, तो व्यास कितना है दोस्तों 10 बटा कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 5 सेंटीमीटर। तो आपसे बोला है दोस्तों कि मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल। अब दोस्तों ध्यान रखिए कि मैदान आपका है कैसा, वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको क्या हमने बताया था दोस्तों पाई आर स्क्वायर, क्या बताया था दोस्तों पाई आर स्क्वायर। पाई का जो मान होता है दोस्तों आपको बताया कि 22 बटा के कितना होता है दोस्तों 7 होता है। अब आर स्क्वायर, आर का मान कितना दिया है दोस्तों आपका 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा देखिए आपका 22 बटा के 7 कुरते 5 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों आपका हो जाएगा 25। तो जब इसको आप साल करेंगे दोस्तों तो जो आपका मान आएगा दोस्तों या तो आप इसको लिख सकते हैं, देखिए इसका अगर 22 में अगर 3 का भाग देंगे दोस्तों, इससे अच्छा है कि आप पाई को पाई ही रहने दीजिए दोस्तों, क्या करिए पाई को आप पाई ही रहने दीजिए। तो 25 का जब पाई में गुणा करेंगे तो आपका डायरेक्ट लिख दीजिए दोस्तों 25 पाई वर्ग सेंटीमीटर। इसलिए दोस्तों हमने किया है क्योंकि इसको जब हम भाग गुणा करेंगे आपका दशमलव वगैरह में आएगा, क्योंकि ये दोनों आपका कट नहीं रहा था तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं। इस प्रश्नावली का जो अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों उस क्वेश्चन को सुनिए वो क्या कह रहा है। उसमें बोला है दोस्तों कि एक संकेंद्र वृत्तों का जो क्षेत्रफल, ध्यान रखिएगा दोस्तों क्वेश्चन लिखिए आप कि एक संकेंद्र वृत्तों का क्षेत्रफल क्रमशः 1386 वर्ग सेंटीमीटर तथा 1886.6 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बीच के छल्ले की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन लिख लिखा होगा दोस्तों। अब आपको हम क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करते हैं, आप समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। उसने बोला है कि संकेंद्र, संकेंद्र का मतलब दोस्तों कि ये बोल रहा है, देखिए कह रहा है कि एक संकेंद्र वृत्तों का क्षेत्रफल, मतलब दोस्तों दो वृत्त हैं, क्या दोस्तों दो वृत्त हैं आपके ऐसे। अब दोस्तों अब आपसे संकेंद्र क्या बोला है दोस्तों, संकेंद्र का मतलब होता है कि ये जो दोनों वृत्त है ना, इन दोनों वृत्तों का जो केंद्र है एक ही है, क्या है दोस्तों इन दोनों वृत्तों का जो केंद्र है वो एक ही है। तो आपसे बोल रहा है दोस्तों कि दो संकेंद्र वृत्तों का जो क्षेत्रफल है क्रमशः दिया है दोस्तों, एक का 1386, तो दोस्तों अगर 1386 है, एक का 1386 हो गया तो छोटे वाले का 1386 होगा और बड़े वाले का यहां से यहां तक होगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या यहां से यहां तक है, तो बड़े वाले का जो दिया है दोस्तों वो दिया है 1886, कितना दिया है दोस्तों 1886.6, कितना दोस्तों 1886.6 वर्ग सेंटीमीटर, क्या दोस्तों वर्ग सेंटीमीटर। तो दोस्तों बोल रहा है कि बीच के छल्ले की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, बीच के छल्ले का मतलब दोस्तों ये कह रहा है कि इसके ये वाला जो है ना ये आपकी चौड़ाई है दोस्तों, तो ये पूछ रहा है ये जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है दोस्तों। तो दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा, आप अगर आपका देखिए ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से वृत्त है, अगर ये प्रकार से वृत्त है तो दोस्तों एक त्रिज्या इसकी है, दूसरी त्रिज्या इसकी है। अगर दोस्तों अगर हमें त्रिज्या मिल जाए, अगर हमें त्रिज्या दोनों की अगर त्रिज्या मिल जाए दोस्तों, तो देखिए इस बड़ी त्रिज्या में से, ध्यान रखिएगा इस बड़ी त्रिज्या में से अगर मैं इस त्रिज्या को घटा दूंगा, अगर इस त्रिज्या को घटा दूंगा तो यार इस छल्ले की चौड़ाई मिल जाएगी दोस्तों, छल्ले की चौड़ाई मिल जाएगी। तो हम निकाल लेंगे दोस्तों, मान लेंगे दोस्तों कि छोटे वाला जो बड़ा वाला जो वृत्त की त्रिज्या दोस्तों R1 है और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या R2 है दोस्तों, क्योंकि एक समान तो हो नहीं सकती। तो दोस्तों हम लिखेंगे कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया दोस्तों आपका 1886.6 वर्ग सेंटीमीटर, कितना दोस्तों 1886.6। तो दोस्तों हम मान लेंगे यहां हो जाएगा पाई R1, क्यों दोस्तों क्योंकि बड़े वाले जो वृत्त की त्रिज्या है वो कितना है दोस्तों हमने माना है R1, तो पाई R1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्तों 1886.6। तो R1 स्क्वायर बराबर आपका कितना आएगा दोस्तों 1886.6
गुरुत्व, या देखिए 22 पाई का मान 22 बटा के साथ होता है दोस्तों, तो आपको हमने बताया है कि अगर इधर आएगा ये तो 7 बटा के 22 हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों 7 बटा के 22 हो जाएगा। तो आर वन स्क्वायर बराबर अगर करेंगे दोस्तों, देखिए 2 11 में 11, 11 2 22, अगर इसको करेंगे दोस्तों 9 2 18, 4 2 8, 3 2 6, 10 3 2 6। अब दोस्तों अगर इसको हम फिर से भाग देंगे दोस्तों तो आपका आएगा देखिए 11 1 11, अगर इसको करेंगे दोस्तों 11 8 88, कितना आएगा दोस्तों 11 8 88। अब दोस्तों बचा कितना इसमें, देखिए आपका 6 बचा तो यहाँ 63 हो जाएगा, 11 5 55, अब देखिए यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, आगे आप देखिए 11 5 55 हुआ, 55 अब कितना हुआ दोस्तों यहाँ 63 है, तो आपका कितना बचेगा आपका 8 आएगा, तो यहाँ 83 हो जाएगा, हो जाएगा 11 7 77, फिर कितना आएगा दोस्तों 77 6 83 6 हो जाएगा, तो फिर आपको 0 लगाएंगे दोस्तों क्योंकि दशमलव है, तो हो जाएगा 11 5 55, इतना आएगा दोस्तों। अब आपका जो भी आया, अब देखिए इसके गुणते जब हम 7 करेंगे दोस्तों, तो इनका जब आपस में गुणा करेंगे दोस्तों आर वन स्क्वायर का जो मान आपका आएगा दोस्तों वो आपका आएगा देखिए 600.1818 ऐसे कुछ कर समथिंग करके आएगा। तो जब हम आर वन का मान निकालेंगे दोस्तों आपका करड़ी में आएगा देखिए 600.1818 ऐसे करके दोस्तों, तो जब आर वन का मान, अब जब इसका भाग विधि से निकालेंगे दोस्तों इसका मान आएगा आपका 24.5, कितना आएगा दोस्तों आपका 24.5 आएगा। अब दोस्तों देखिए आपका आर वन का मान आपने निकाल लिया, बड़े वाले का जो त्रिज्या निकाल लिया, अब दोस्तों क्या करेंगे छोटे वाले की त्रिज्या निकालेंगे। अब आप क्या करेंगे छोटे वाले की त्रिज्या जब निकालेंगे दोस्तों, तो देखिए आप जब छोटे वाले की, हम इधर सॉल्व करते हैं दोस्तों समझने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों ये देखिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल था ये था, तो देखिए बड़े छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है दोस्तों आपका 1300 कितना दिया दोस्तों आपका 86 दिया है, इसका मतलब देखिए पाई आर टू, देखिए छोटे वृत्त की जो हमने त्रिज्या माना है दोस्तों वो माना है आपका आर टू, और बड़े का क्या माना है आर वन माना है दोस्तों, तो जब पाई आर टू स्क्वायर बराबर कितना है दोस्तों 1386, पाई का मान होता है दोस्तों 22 बटा के साथ, गुणते आर टू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 1386, तो आर टू का स्क्वायर बराबर अगर हम करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 1386 गुणते 7 बटा के 22, तो इसको अगर हम करेंगे दोस्तों तो आपका हो जाएगा दोस्तों देखिए आर टू, यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों आर टू स्क्वायर का अगर हम मान करेंगे दोस्तों निकालेंगे तो आपका आएगा, जब इसको कटपिट करेंगे दोस्तों आपका आएगा 441, कितना आएगा दोस्तों आपका 441, तो आर टू बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका करड़ी में 441, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 441 जो होता है दोस्तों 21 का स्क्वायर होता है दोस्तों, क्या होता है 21 का स्क्वायर, तो आर टू बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 21, क्या आएगा दोस्तों सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है दोस्तों छल्ले की चौड़ाई, तो दोस्तों ध्यान रखिए मैंने इसको बोला अगर इसकी आपकी चौड़ाई पूछा है दोस्तों ये पूरी आपकी त्रिज्या यहां तक है, तो जब दोस्तों ध्यान रखिए आपको मैं एक नया चित्र बना के दिखाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों कि अगर आपका देखिए एक वृत्त ये हो गया दूसरा वृत्त आपका ये हो गया, अब दोस्तों इसकी जो त्रिज्या दिया है आपको थोड़ा इसको बड़ा बनाते हैं दोस्तों, इसके बाहर हम ऐसे ले लेते हैं, ऐसे इसकी जो त्रिज्या है दोस्तों यहां से यहां तक अगर आपका आया कितना दोस्तों 24.5, कितना आएगा दोस्तों आपका 24.5। अब दोस्तों अगर इसकी जो पूछ रहा है दोस्तों यही पूछ रहा है, यही छल्ले की चौड़ाई पूछ रहा है, तो दोस्तों ये जो त्रिज्या है आपका 21 है दोस्तों, तो अब आप बताइए देखिए समझिएगा 21 अगर यहां पर है तो यहां पर भी तो अगर इतना भाग भी तो 21 है, अगर दोस्तों इस 24.5 में से यदि मैं इस 21 को घटा दूं तो क्या ये वाली चौड़ाई आपकी मिल जाएगी, ये वाली चौड़ाई आपकी मिल जाएगी, तो हम लोग लिखेंगे दोस्तों छल्ले की चौड़ाई, क्या दोस्तों छल्ले की चौड़ाई बराबर क्या दोस्तों बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है दोस्तों आपका आर वन है, और छोटी वृत्त की त्रिज्या क्या है माइनस दोस्तों आर टू, तो देखिए आर वन क्या है दोस्तों 24.5 माइनस इसका कितना है दोस्तों 21, जब घटाएंगे दोस्तों तो आप आएगा 3.5 सेंटीमीटर, क्या आएगा दोस्तों 3.5 सेंटीमीटर, यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस चैप्टर में आपके वृत्त में जितने भी क्वेश्चन थे दोस्तों मैंने उन लोगों को इस वीडियो में आपको सॉल्व करा दिया है। दोस्तों मैं मानता हूं कि वीडियो आपका लंबा हुआ है, लेकिन दोस्तों एक ही वीडियो में मेरे बनाने में आसानी रहती है, बार बार वीडियो बनाना रोक करके ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए, अपने
मित्रों के साथ दोस्तों के साथ शेयर करिए दोस्तों, ये हमारा ही चैनल नहीं, ये आपका चैनल है दोस्तों। हम आपसे हैं, हम आपसे हैं दोस्तों, ना कि आप हमसे हैं। हमसे भी आप हैं और हमसे भी हम भी आपसे हैं दोस्तों। तो फिर मिलेंगे दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में एक नए अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।